बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम QNS टीवी में आबिद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अभी हम वस्ती कश्मीर ज़िला बड़गाम के मागाम इलाके में मौजूद है और ये मागाम का मेन मार्केट है जहां से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाबापुरा मागाम की जानिब से एक रैली मुनाकिद की गई। हम आपको बताते चले कि आज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है, तो इस हवाले से यहाँ पर बहुत सारे तलबा भी आए हैं। इनका कहना है कि ये जो मंशियात की लानत है या सिगरेट नोशी जो है, इससे पब्लिक को अवेयर करें कि इन चीज़ों से दूर रहे। हमारे साथ एक टीचर भी है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका QNS में खैर मकदम है, आप अपना नाम बताएं और किस स्कूल से हैं और किस मकसद से आपने आज ये रैली निकाली। जी, मेरा नाम है मायमुना अली, टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल JMS बाबापुरा मागाम। हाँ सर, हाँ बताए, आज जो आपने रैली निकाली है, इन तलबा को आपने इकट्ठा किया है, आज पूरे मार्केट में आप स्लोगन्स दे रहे हैं कि इस नोशी को ख़त्म करें, एंटी, हाँ, तो इस हवाले से बताएं कि कहाँ से कहाँ तक ये रैली चली। यह हमने JMS बाबापुरा से निकाली तो यहाँ तक, यहाँ पे हमने स्टॉप किया। खास मकसद बताइए। खास मकसद है इसका, इस पे बैन होनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे माहौल पे बहुत बुरा असर पड़ा और जो यहाँ हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, हम नहीं चाहते कि उनका फ्यूचर इससे ख़राब हो जाए क्योंकि इससे, इस तम्बाकू नोशी से, सिगरेट नोशी से, इससे बहुत सारी बीमारियों ने जन्म लिया, खासकर कैंसर और ब्लड प्रेशर, ये सब इसकी वजह से हो गया। और यह हम नहीं चाहते हैं कि ये इसका सर सिर्फ ये सिगरेट पीने वाले या तम्बाकू पीने वाले पे है, पूरे माहौल पे इससे हमारा असर पड़ा है इसका। आपकी क्या मैसेज रहेगी दूसरे जनरेशन के लिए, खासकर सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए? यही सिगरेट पीना छोड़ जाए। अगर किसी के भी घर में सिगरेट नोशी है या तम्बाकू नोशी है, मेहरबानी मेहरबानी के लिए इसको छोड़ दीजिए। आखिरी सवाल, इस नोशी को, ये जो सिगरेट नोशी है, स्कूलों में अब हमें एक ज़्यादा से इजाफा देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं इस नोशी को? बस इस पे टीचर को भी पूरा अवेयर रहना है और खासकर पेरेंट को भी हमें साथ देना है और घर में भी खास के हमें इस जनरेशन का, इस बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखना है, तो ताकि हम इस मकसद में कामयाब हो जाएं। तो नाज़रीन, ये थी मैम, मायमुना मैम थी ये, जिन्होंने बताया कि ये ज़िम्मेदारी जो है ये टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी है, क्योंकि हम इनकी अगर अच्छी गाइडेंस करेंगे तो हो सकता है कि ये जो लत है सिगरेट नोशी की, इससे ये दूर रहेंगे और हमारे समाज से ये जो बुराइयां हैं इनका खात्मा होगा। अब मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाज़त, आप देखते रहिए QNS TV। खुदा हाफिज़।